बुढ़ापे में घुटने के दर्द का आयुर्वेदिक इलाज। बुढ़ापे में घुटने में दर्द एक आम स्वास्थ्य विकार है। घुटने के दर्द के कुछ सबसे सामान्य कारणों में चोट, गठिया, संक्रमण, घुटने की हड्डी का टूटना, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस शामिल है। घुटने के दर्द की गंभीरता विकार और वातावरण पर निर्भर करती है और यह हर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। कुछ सामान्य लक्षणों में जोड़ों में असहनीय दर्द और जकड़न हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों के दर्द के दो कारण होते हैं, वात संबंधी या अमा संबंधी। सबसे पहले वात से संबंधित जोड़ों का दर्द किसी के वात या वायु प्रधान दोष के बढ़ने से होता है। यह परिसंचरण, चयापचय और भोजन को प्रभावी ढंग से पचाने की क्षमता को कमजोर करता है। अल्पपोषण के कारण हड्डी के ऊतक कमजोर हो जाते हैं। दूसरे, अमा से संबंधित जोड़ों का दर्द जोड़ों में टॉक्सिन जमा होने का परिणाम है। इससे भारीपन और जकड़न हो सकती है। मौजूदा विषाक्त पदार्थ उनकी जलन और प्रतिक्रियाशीलता के स्तर में वृद्धि करते हैं। नतीजतन जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। आयुर्वेद के पास दोनों रूपों का समाधान है। इस वीडियो में हम आपको घुटने के दर्द को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बता रहे हैं। घुटने के दर्द का आयुर्वेदिक इलाज। ऑथोक्सिल प्लस कैप्सूल और तेल घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए एक प्रभावी हर्बल उपचार है। इनमें प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, इसलिए घुटनों के दर्द और सूजन से निपटने के लिए इससे बेहतर कोई हर्बल उपचार नहीं है। इस आयुर्वेदिक कैप्सूल का नियमित रूप से सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, रक्त परिसंचरण में सुधार होता है जिससे घुटनों में ताकत आती है।